वज़ीर-ए-आईटी तारक रामा राव ने कहा है कि एनटीआर गार्डन्स में जल्द ही दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर बीआर अंबेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्मा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकान की फराहमी की स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकान में ये बेहतरीन मकान हैं, क्योंकि इन मकान की एक तरफ आईमैक्स है तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की इमारत है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सराजी पर एक फंक्शन हॉल भी तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ की जानिब से आज जिस इंदिरा नगर कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया उसके 4 ब्लॉक्स में मकान की 210 इकाइयाँ हैं। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जाएँ। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहले पर यह पूछा कि हुकूमत ये बताए कि कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने हिदायत दी कि मेडारम यात्रा में कोविड के कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम की हुकूमत जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मरकजी बजट में दलितों के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने असेंबली में टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे के तेलंगाना एक छोटी रियासत है लेकिन रियासती हुकूमत दलितों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने दलितों के लिए सालाना बजट में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कई स्कीमात दलितों के लिए मुतारिफ की हैं। उनका मकसद दलितों को फ़ायदा पहुँचाना है। उन्होंने टीआरएस को अम्बेडकर मुखालिफ के तौर पर पेश करने बीजेपी की कोशिश पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत की लेकिन दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आइन में तब्दीली की बात करते हुए नई बात नहीं की है, क्योंकि अगर हुकूमत दलितों को कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो दस्तूर नया होना चाहिए। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मुनाफे में चलने वाले एलआईसी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज़ पर सवाल उठाया। उन्होंने सिलसिले में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से एक ट्वीट के जरिए पूछा कि एलआईसी जो मुनाफे में चल रहा है उसको फरोख्त करने की तजवीज़ का क्या जवाज़ है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म कविता ने कहा कि एलआईसी को फरोख्त किया गया तो मुलाजमीन और रिजर्वेशन से महरूम होने वाले अफराद के खानदानों का क्या होगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की तलबा तंजीम टीआरएसवी के सदर श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के बजट में तेलंगाना के शोबे तालीम के साथ साथ दीगर शोबेजात को फंड्स की मंजूरी में नाइंसाफी की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस मसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कैंपस में वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नज़र आतिश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने तेलंगाना के नए अजला में 9 विद्या स्कूल्स के क़याम के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए हैं और जब से मरकज़ में बीजेपी बरसर इख्तदार आई है तेलंगाना रियासत के साथ शदीद नाइंसाफी की जा रही है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो अपना रवैया बदले और रियासत तेलंगाना को तालीम के मैदान में रकम मुख्तस करे। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दलितों से नाइंसाफी की है। उन्होंने एक वीडियो पयाम में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हर जाविये से बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम उनसे नाला हो चुके हैं और वो उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब कशीदगी फैल गई, क्योंकि बीजेवाईएम के कारकुनों ने अपने साथियों को रिहा करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। इन कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
रियासती वजीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव की कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश पर इनको गिरफ्तार किया गया था। जलपल्ली बल्दिया के न्यू बाबा नगर में पुलिस की जानिब से आवाम में बेदारी पैदा की गई। बालापुर के इंस्पेक्टर भास्कर और मजलिस के नुमाइंदा कारपोरेटर हाजी नवाब ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना और गांजे की लत से उन्हें निकालना है। इस तकरीब से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली की बात करना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तौहीन है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वज़ीर आला ने आईन के तहत हलफ उठाया है और वो अब इसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो अजीब बात है। दस्तूर को तब्दील करने से मुतालिक वज़ीर आला का रिमार्क शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला दस्तूर को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, हालांकि छूतछात का खात्मा इसी आईन की वजह से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दस्तूर में तरमीम की बात करने वाले वज़ीर आला ने क्या GST और नोटों की मनसूखी के मामले में मरकजी हुकूमत का साथ नहीं दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना के हकूक के हुसूल में वज़ीर आला नाकाम हो गए हैं। NSUI के कारकुनों ने TRS के रुकन असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की और अंडे वो टमाटर फेंके। इब्राहिमपट्टनम हलके के रुकन असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोककर रियासत में बेरोजगारी के मसले पर NSUI के कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। NSUI के लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बेरोजगारी के मसले पर पुरमन एहतजाज करने वाले NSUI के लीडरों और कारकुनों पर रुकन असेंबली के हामियों ने हमला किया, इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा को आपसी रजामंदी से एक ज़िले से दूसरे ज़िले को बाहमी तबादलों की सहूलत फराहम की है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक आपसी रजामंदी से दोनों मुलाजमीन एक दूसरे के मुकाम पर काम करने तैयार हैं तो उन्हें 1 मार्च से 15 मार्च के अंदर IFMS पोर्टल में तबादले के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने आपसी रजामंदी से बाहमी तबादले कर लेने के ख्वाहिशमंद मुलाजमीन को एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक दोनों मुलाजमीन में से किसी एक को GO 317 के तहत पहले से तबादले पर दूसरे मुकाम पर ड्यूटी ज्वाइन करना होगा और एक ही जुमरे में काम करने वाले मुलाजमीन और असातिज़ा को ये सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में डायरेक्टर सेहतयामा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासती हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने इस रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के मामलों में कमी हो रही है। रियासत में मुस्बत शरह 3.40 है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में ये शरह 4.64, मिर्चल मलकाजगिरी में 3.76, नारायणपेट में 8.88, कामारेड्डी में 8.32 मुस्बत शरह दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल जिले में सबसे कम शरह 1.45% रही है। उन्होंने कहा कि ताहाल 99 लाख मकानात में फीवर सर्वे का काम अंजाम दिया गया है और मुख्तलिफ अलामात पर 4.3 लाख अफराद को दवाओं के किट्स फराहम किए गए हैं। बच्चों के इलाज के लिए दवाखानों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। रियासत में रोजाना तकरीबन 1 लाख अफराद के कोरोना मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि मेडारम यात्रा के सिलसिले में हुकूमत कवायद पर अमल करेगी। कोरोना के मुआयनों, तिब्बी कैंप्स, एम्बुलेंस गाड़ियों को तैयार रखा गया है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तलबा का तालीमी साल ज़ाया ना होने पाए। चारमीनार बस स्टैंड में एक शख्स की बाइक के पेट्रोल की चोरी का वाकया पेश आया। कबल अजी भी इस तरह के वाकयात का पता चला था। इस शख्स ने बताया कि उन्होंने चारमीनार बस स्टैंड में काम के सिलसिले में अपनी बाइक को पार्किंग के लिए लगाया था। ताहम जब वो वापस हुए तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि उनकी बाइक का सारा पेट्रोल चोरी कर लिया गया और बाइक की नली खुली पड़ी है। इस शख्स ने कहा कि इस वाकये के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने इस वाकये के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। सरूर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद के साई नगर में साहूकार के मकान के सामने मुतासरीन ने धरना दिया।
इस मौके पर इन मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनसे बड़े पैमाने पर धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज की रकम की वापसी के बावजूद उनके मकानात और असासाजात के दस्तावेजात साहूकार की जानिब से वापस नहीं किए गए हैं, जो अफसोस की बात है। तेलंगाना प्रजाला पार्टी के सदर मुरलीधर गुप्ता ने कहा है कि मरकजी बजट गरीबों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इससे उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीलियां नहीं आएंगी। उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश करदा बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि ये बजट किसानों के ताल्लुक से खामोश है। सेहत और तालीम के शुबे पर भी इस बजट में मुनासिब तौर पर रकमी अलाटमेंट नहीं किया गया है। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कार पर फायरिंग की गई, लेकिन वो इस कातिलाना हमले में महफूज रहे। बैरिस्टर अवैसी ने खुद अपने ट्वीट में इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के जिले मीरठ में खटवार के मुकाम पर इंतकामी जलसे से खिताब के बाद दिल्ली वापिस हो रहे थे। जर्सी टोल प्लाजा के पास 3 से 4 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और टायर को पंक्चर कर दिया। मुलजमीन हथियार वहीं छोड़कर फरार हो गए। अवैसी ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं और दूसरी गाड़ी के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने जामियतुल मोमिनात हैदराबाद की तरफ से शुरू करदा आओ कुरान मजीद तजवीज से सीखे मुहिम का अफ्तताह किया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद बनी इंसान के लिए हिदायत का जरिया है और अल्लाह की किताब तमाम मसाइल का हल भी है, वहीं साथ ही साथ तमाम अमराज के लिए शफा का भी बास है। उन्होंने जामियतुल मोमिनात की तहरीक की सिफारिश की जो गुज़श्ता 15 साल से चलाई जा रही है। इससे अंग्रेजी मीडियम के तालिबात भी इस्तेफादा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने खवातीन की तालीम व तरबियत की जरूरत पर जोर दिया। नाज़िम जामिया हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी ने इस मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये मुहिम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम से इस्तेफादा के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के उस्ताद हाफिज मोहम्मद अब्दुल समद शर्फी, डॉक्टर अब्दुल गफूर परवेज, डॉक्टर यूसुफुद्दीन बगदादी, मौलाना साजिद अहमद कामरानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम, मौली गुलाम रब्बानी अतारी, मौली मोहम्मद ताहिर और दूसरे भी मौजूद थे। कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली हल्के याकूतपुरे के संतोष नगर डिवीजन में 14 करोड़ 47 लाख रुपए के मसारिफ से किए जाने वाले तरक्की कामों का अफ्तताह किया। उनके अमरा मजलिस असम्बली अहमद पाशा कादरी, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन, यूथ लीडर यासर अरफात और दूसरे भी थे। अकबर अवैसी का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती वजीर एडमिरल अतुल टी श्रीनिवास यादव और टीआरएस के अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, के वेंकटेश और एम गोपाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दस्तूर की खिलाफ वर्जियों का सबसे बड़ा मुर्तकिब करार दिया और कहा कि उन्होंने अपनी बदनामियों की पर्दापोशी के लिए इसी दस्तूर का भरपूर इस्तेमाल किया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए टीआरएस के कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ के लिए दस्तूर में तब्दीली की बात की और वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत दस्तूर को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल न करे। श्रीनिवास यादव और दीगर अरकान असम्बली ने कहा कि मरकजी बजट में रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई, ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बताती है। दुनिया जानती है कि नाथूराम गोडसे बाबा खां महात्मा गांधी का हातिम था। चीफ मिनिस्टर की जानिब से दस्तूर को तब्दील करने के मुतालबे पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए बीजेपी ने रियासत भर के अपने पार्टी दफातर में भीम दीक्षा का अहतमाम किया और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नामपल्ली में पार्टी के रियासती दफ्तर पर भीम दीक्षा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए साबिक रुकन असम्बली और बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दस्तूर की तोहिन का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर को आवाम से माजरत खाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क हैरतज़दा है कि एक दस्तूरी अहदे पर फायज चीफ मिनिस्टर जिसने दस्तूर पर हलफ लिया दस्तूर की ऐसी तोहिन करता है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर दस्तूर के साथ साथ बीआर अम्बेडकर की भी अहानत कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन दस्तूर दिया है। बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने दस्तूर की तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुतालिबे को आरएसएस के एजेंडे की वकालत से ताबीर किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए अमजदुल्लाह खान ने कहा कि आरएसएस बुनियादी तौर पर मुल्क के मौजूदा दस्तूर की मुखालिफ है क्योंकि इसमें मुसलमानों और दलित तबकात को काफी हकूक दिए गए। चीफ मिनिस्टर इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे। उन्होंने आवाम को चीफ मिनिस्टर के अजायम से बाखबर करते हुए कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस के मंसूबे को
रुबेमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्बे समाज के तुलबा ने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान की सख्त मजम्मत की और एहतजाज करते हुए एक जुलूस निकाला। दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों तुलबा ने चीफ मिनिस्टर को मुखालिफ दलित और अखिलेश करार दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पुतले को भी नजरअंदाज किया। मंत्री स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने भोपाल में शूटिंग के 64वें कौमी मुकाबला में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले सुराबी भरद्वाज को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के काम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी की हौसला अफजाई की जा रही है और उनकी माली मदद भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने स्पोर्ट्स के बजट में काफी इजाफा भी किया है। गवर्नमेंट व्हिप जी बालराजू ने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तजवीज पर पार्लियामेंट के जारी अजलास में बहस का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी चीफ मिनिस्टर की तजवीज पर गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। बालराजू ने कहा कि मौजूदा दस्तूर से दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी की हुकूमत दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही है और विफाकी जज्बे के तहत काम नहीं कर रही है। B.R. अम्बेडकर की अहानत की बात करने वाले ही माजी में कई बार बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पुलिस छतरीनाका सैयद अब्दुल खादर जीलानी ने अपने हुदूद में चारशंबे की रात पेट्रोलिंग करते हुए रातों में घूमने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने चबूतरों पर रात देर तक मटरकशी करने वालों को इंतबाह दिया और उनकी काउंसलिंग की। उनके हमराह सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस का हमला भी था। वट्टेपल्ली के घर में सरके की वारदात पेश आई। मुजरिमीन 25,00,000 रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस फलकनुमा ने बताया कि मकीन अपने घर को मुखफल करके 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के पास गए थे। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश से सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के लिए PRC के ऐलान का मुतालबा करते हुए मुश्तरका मजलिस अमल ने जुमेरात को चलो विजयवाड़ा की अपील की थी। हजारों मुलाजमीन पुलिस की तहदीदात और रुकावटों के बावजूद आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर विजयवाड़ा का मुहासा करने में कामयाब रहे। मुलाजमीन अपने मुतालबे की तायद और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस के लिए हालात को काबू में करना मुश्किल हो गया था। इस एहतजाज की वजह से विजयवाड़ा टाउन में आम जिंदगी पर काफी असर पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम रही और अनुदत्त के खदशे के तहत कई दुकानें बंद कर दी गई थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 1,000 अमवात हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि COVID-19 के आगाज से अब तक 4,18,03,318 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 4,98,983 तक जा पहुंची है।